तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको फॉल सीलिंग के कुछ डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ कि हमारे फॉल सीलिंग के जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद किस तरह कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। उनमें लाइटें वगैरह लगने के बाद जो भी उनमें लाइट लगती है, प्रोफाइल लाइट ले लो या फिर कोब लाइट जो भी लगती है, वो लगने के बाद वो सुंदर लगते हैं या नहीं लगते हैं। हमारी साइट पर एक जगह फॉल सीलिंग का काम हुआ है, वो अब कम्प्लीट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और जो भी हमारे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अभी भी देखो मैं घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें आप लोगों को समझाना कि मैं क्या चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ क्या नहीं है, उसकी वजह से मुझे ये घर पर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रेंस दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है एंट्रेंस है, इसमें हमारी चारों तरफ से इसमें कॉपर बनाया हुआ है, बीच में ये चौकी बनाई हुई है, ये हमारा इसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें चारों तरफ से कॉपर निकल के आ रहा है, ये बहुत सुंदर एक इसमें लुक दे रहा है। अभी जो है हमारा इसमें वुडन का काम जो है वो अभी कम्प्लीट नहीं है, तो इस वजह से ये पूरा इसका प्रॉपर नहीं आ पाया है। और ये ऐसा ही एक हमारा दूसरा ड्राॅइंग रूम है जिसको हम बैठक बोल सकते हैं, बैठक है, उसमें भी सेम इसी तरह का बीच में एक पूरी चौकी देके और साइडों में से एक एक फुट की जगह छोड़ के इसमें हमारा डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें से कॉपर लाइट बाहर आ रही है। तो इसी तरह अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन हॉल है हम उसमें चलते हैं, बाकी हमारा क्या डिज़ाइन बना हुआ है ये देखिए। ये हमारे जो मेन हॉल है हमने उसमें एंट्री कर दी है। ये इसी की सेम वीडियो आपने मेरे चैनल पर भी देखी होगी शॉर्ट पर, जो है ना हमारी वीडियो वायरल हुई थी, उस पर तकरीबन 100 के या 100 कुछ के व्यूज़ हैं उस वीडियो के ऊपर। ये हमारा मेन हॉल है, ये यहाँ पे सोफे का सिटिंग एरिया है, जो भी ये एरिया है ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे उसकी ये उसकी छत है। और यहाँ पे ये हमारा वुडन का इंटीरियर का काम हुआ हुआ है, ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा इसकी भी मैं आपको वीडियो प्रॉपर पूरी वीडियो दिखाऊंगा इसमें किस किस तरह का काम हुआ हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको आगे मंदिर की जो रूफ है उसमें क्या बना हुआ है वो दिखा देता हूँ। मंदिर के हमने मंदिर के अंदर एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वो बनवाया हुआ है, सीलिंग पे एक गोल राउंड बना हुआ है, आपको सबसे पहले मैं वो दिखाता हूँ। पहले तो ये नीचे तो मंदिर बना हुआ है, फिर इसमें हमने राउंड बनाया हुआ है बीच में, और ऊपर बीच में लाइट लगाई हुई है जो हल्की लाइट है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, वो लाइट हमने इसके अंदर लगवाई हुई है। और ये सामने हमारी किचन है, किचन के अंदर हमारा चारों साइड से पट्टा घुमा हुआ है और लाइट लगी हुई है। इसकी लाइट अभी हमारी चालू नहीं थी, तो इसकी लाइट मैं आपको जला के नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं या हम दूसरे बेडरूम की तरफ अब बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा किचन का जो है, किचन में हमने सिर्फ बिल्कुल प्लेन और सिंपल एक पट्टा बनाया हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ से जो है कॉपर दी हुई है, बाकी हमने इसमें ज़्यादा कुछ इतना काम नहीं हुआ हुआ है। एक पट्टा दिया हुआ है कॉपर का, वही इसके अंदर डिज़ाइन है और लाइट वगैरह लगा दिए, बढ़िया लगता है, ये भी बढ़िया लग रहा है। अब आगे हम चलते हैं, जो हमारे बेडरूम्स की तरफ रास्ता जा रहा है, बेडरूम के आगे की जो गली है उसमें इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए, तीन राउंड राउंड के इसमें लाइटें लग जाएंगी, मैं भी सारी लाइटें चालू नहीं थी तो मैं इसलिए आपको सब दिखा नहीं पाऊंगा। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है, ये देखिए इसकी सीलिंग पे इस तरह से डिज़ाइन कुछ बना हुआ है और इसमें लाइटें वगैरह बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़िया तरीके से लगाई हुई है, बहुत बढ़िया ये लुक देने वाला है। अभी पूरा जब कम्प्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरे मकान की इसकी वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, ये कितना सुंदर लगने वाला है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब चलिए हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए, इसमें भी इसमें बीच बीच में जो बेड का हमारा स्पेस दिया हुआ है उसके बीच बीच में पूरी सीलिंग दी हुई है और साइडों में कॉपर लाइट वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। अब चलिए हम तीसरे रूम में चलते हैं। तीसरे रूम में हमने क्या किया है कि इसको हमने राउंड में पट्टे दिए हुए हैं, राउंड में ही इसकी छत दी हुई है और दोनों तरफ से इनमें कॉपर दिया हुआ है, यही इसमें पूरा हमारा डिज़ाइन है। राउंड के हिसाब से इसमें चारों तरफ से हमने इसके कॉर्नर जो है वो राउंड कर दिए हैं और उसी तरह से ये हमारा पूरा डिज़ाइन लुक इसमें बना हुआ है। अब हमारा एक रूम बचता है, अभी इसमें हमारे चार बेडरूम का ये हमारा मकान है, इसके अंदर जो है इसके अंदर भी हमने साइड में जो पट्टा आता है वो पट्टा दिया हुआ है, मतलब कॉपर वाला, और इसका जो पूरी ये 36 के ऊपर वीनियर लगा दिए, इसके ऊपर पॉलिश हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।